जयपुर के स्वास्थ्य भवन में पीसीपीएनडीटी राज्य पर्यवेक्षण समिति की बैठक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरके सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा सचिव हेमंत गेरा और एमडी डॉक्टर समीर शर्मा मौजूद रहे। बैठक में लिंग परीक्षण पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के लिए चिकित्सा मंत्री ने उचित दिशा निर्देश दिए और प्रदेश में कार्यरत 1807 सोनोग्राफी केंद्रों की सूची तैयार कर मॉनिटरिंग कर जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण पर विभाग ने 152 डिकॉय ऑपरेशन करते हुए कार्रवाई की है, जिसमें 212 व्यक्तियों को सजा मिल चुकी है। इस वर्ष भी अब तक 8 डिकॉय ऑपरेशन करते हुए 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रॉब्लम जो है इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने में हमको जहां दिक्कत आती है वो एरियाज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहां क्या है कि अगर दूसरे राज्य की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग जाके मान लो कोई काम करना चाहते हैं तो उनमें उनको दिक्कत भी आती है। तो उसके लिए हम सब लोगों ने एक तय किया है कि भाई जो भी पड़ोसी राज्य हैं उनके चाहे मंत्री स्तर की एक मीटिंग यहाँ कर लेते हैं और हम लोग उसमें एक आपस में सहमति बना लेते हैं कि भाई इस तरह के मामले में राज्य सरकारें एक दूसरे को सहयोग करेंगी। की अध्यक्षता में पीसीपीएनसी की मीटिंग हुई और उसमें जो राज्य में 1807 सोनोग्राफी सेंटर्स हैं उसकी कैसे समुचित रूप से मॉनिटरिंग की जाए अच्छी तरह से, ताकि वहाँ कोई भी गड़बड़ी ना हो और जो ये बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है इसका कैसे हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकें। उसमें एक बात जो माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया कि किसी का अननेसेसरी हैरेसमेंट भी ना हो, पर जो क्राइम कर रहे हैं उनको डेटरेंस के साथ साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार हम छोटी छोटी टेक्निकलिटी में लोगों का हैरेसमेंट भी होता है, तो मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया।